इंडिया न्यूज एक्सप्रेस मध्ये मी प्रांजल भागवत आपले स्वागत करते. बघूयाच्या ठळक घडामोडी. थोड़ा मागे सरका सरका थोड़ा मागे थोड़ा सामाजिक कार्यकर्त्या शेतकऱ्यांच्या पैशाच्या संदर्भामध्ये ज्या व्यापाऱ्याने त्यांची फसवणूक केलेली आहे त्या व्यापाऱ्याला अटक व्हावी यासाठी त्या सतत 21 तासापासून उपोषणाला बसलेल्या आहेत. आणि उपोषण कशासाठी त्याने केलेलं आहे आपण त्यांचं या ठिकाणी मत जाणून घेऊया. मेरा नाम सानिया सैयद अली कादरी है और मेरा पेशा जो है वो बिल्डर है, बांधकाम व्यवसायिक और एक आर्किटेक्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर सारे जो लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उन लोगों के लिए काम करती हूँ. और पिछले साल जो केला किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जहाँ केले की फसल 300 रुपये क्विंटल बिकी थी, इस साल मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं इस बार किसानों की मदद करूँ और उनकी फसल का उनको सही दाम दिलवाऊँ. और इसी कोशिश के चलते मैं पिछले 5 महीनों से रावेर और जहाँ जहाँ केला उत्पादन होता है वहाँ वहाँ के किसानों के लिए मैंने केले के फसल के रिलेटेड जो व्यापारी हैं उनसे संपर्क साधा, किसानों से संपर्क साधा, ताकि उनको सही फसल की जो उनकी कीमत है, जो सही दाम है, वो उनको मिले. और कहीं ना कहीं से उन लोगों का जो नुकसान होता है और जो रियल केले की फसल का जो कीमत होती है वो व्यापारी उन्हें देते नहीं. जो केला यहाँ पर 700 रुपये में व्यापारी ख़रीदता है वो ऊपर जाते जाते 4000 रुपये क्विंटल हो जाता है. तो ये सरासर जाती है. ट्रांसपोर्ट भी अगर पूरा लगाया जाए तो 1500 रुपये क्विंटल ऊपर होना चाहिए, लेकिन वहाँ जाते जाते 4000 से 5000 रुपये क्विंटल केला हो जाता है. ये सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने जो मेरे इलाके के जो किसान हैं उन लोगों की फसल काट कर सही व्यापारियों को देना चालू किया, जहाँ 4 से 5 व्यापारी मेरे साथ काम कर रहे थे और सही दाम और उनकी क्वालिटी के हिसाब से उन्हें सही रेट मिल रहे थे. किसानों को बराबर तीनों चारों व्यापारियों का कंटिन्यू सही रहा, लेकिन एक व्यापारी जिसका नाम मयूर कैलाश खंडेलवाल और उसका पिता कैलाश खंडेलवाल, कैलाश ट्रांसपोर्ट, खंडेलवाल ट्रांसपोर्ट सावदा में, उन लोगों ने कम से कम 4 करोड़ रुपये की केला फसल काटी. मेरे 50 से 60 किसानों की फसल काटी, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए, जिसके सारे प्रूफ, सारे एविडेंस की जेरोक्स मैंने पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक सावदा में दाखिल करवाई. सावदा में इसलिए ये कंप्लेन दाखिल करवाई क्योंकि सारा लेन देन सावदा से ही होता था. किसान की जब फसल कटती थी तो सावदा से मयूर खंडेलवाल से पेमेंट लिया जाता था और किसानों को दिया जाता था, इसलिए मुझे मजबूरन सावदा पुलिस स्टेशन में आना पड़ा. मैंने यहाँ कंप्लेन दर्ज करवाई, यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई. मुझे कहा गया कि DYSP मुक्ताई नगर से मिलिए. मैं मुक्ताई नगर DYSP के पास गई, मिस्टर नेवे के पास गई, वहाँ अपनी कंप्लेन दाखिल करवाई. तो नेवे सर ने कहा कि आप मेरे हाथ में नहीं, मुझे सीनियर से पूछना होगा. फिर मैं SP जलगांव गई, वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे निराशा ही मिली. मुझे ये कहकर टाल दिया गया कि अभी हमें और टाइम चाहिए, कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर चुके. मैं 1/7/2017 से 6 दिन से कंटिन्यू पुलिस स्टेशन सावदा के चक्कर काट रही हूँ. मैं इतनी सी बात के लिए कि आई हैव
आई हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस अबाउट मिस्टर खंडेलवाल एंड हिज फादर. मैं सारे एविडेंस लेकर थाने में गई. बाकायदा शेतकरी जिन लोगों की फसवणूक हुई उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं सावदा पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद भी मुझे एफआईआर के लिए कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा. मैं पिछले दो दिन से सावदा पुलिस स्टेशन के सामने मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी अधिकारी ने यहाँ भेंट नहीं दी. मुझे ना तहसीलदार साहब मिल के गए, ना मुझे प्रांत मिल के गए, कोई भी मिल के नहीं गए. मैं एक लावारिस लावारिस जो एक लड़की होती है उस तरह बैठी हुई हूँ, जहाँ पर कोई कानून, कोई प्रशासन, कुछ भी नहीं. सिर्फ कोई भूख हड़ताल पर बैठा है तो लोग तमाशा देख रहे हैं और निकल जा रहे हैं. अगर मैं इस लड़ाई में नहीं लड़ती हूँ तो न जाने और कितने किसान आगे ऐसे ही झूठे व्यापारियों की चपेट में आते रहेंगे. और हर बार ये जो किसान को बलि राजा कहा जाता है, जो बलि हमेशा भेंट चढ़ाता है अपने पैसों की, कभी अपने फसलों की, वो चढ़ाता रहेगा. इसलिए इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ कि उन लोगों के खिलाफ, मयूर खंडेलवाल, कैलाश खंडेलवाल और बेला खंडेलवाल के खिलाफ कंटिन्यू अगर FIR नहीं की जाती और उन्हें अटक नहीं किया जाता तो ये आमरण उपोषण यहाँ से बंद नहीं होगा. ये मैटर इतना क्रिएटेड, मतलब इतना क्रिटिकल उन लोगों ने बना दिया कि इतना सिंपल सा मैटर था जहाँ पर चार एविडेंस रेडी है, जहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मगर प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा. लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि मेरा प्रशासन मुझे न्याय ज़रूर देगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे हमेशा से भरोसा है और मुझे न्याय दिलाने वाला पुलिस प्रशासन ही है. बस इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी हूँ, और अगर मैं किसानों की मदद करते करते यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा. लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे मरने के बाद मयूर खंडेलवाल से पेमेंट लिया जाए और किसानों को यही बांटा जाए और उसी के बाद मुझे यहाँ से उठाया जाए. आपने किसानों को जो माल दिया है उसके ओरिजिनल पावती आपके पास में है और आपने वो देने के बावजूद भी यहाँ की पुलिस एफआईआर की कॉपी लेकर भी उसके ऊपर अभी उसको अटक नहीं कर रहे हैं. लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि जिस किसानों का आपने खेती ली है, केली ली है, उन किसानों का हमारे तरफ कोई भी अभी तक ऐसा अर्जा नहीं आया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने माल सानिया जी को दिया है खंडेलवाल का और उनका व्यवहार है. तो खंडेलवाल से आपकी कुछ चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई है इसके बारे में? सर, मेरे किसानों ने एविडेंस यहाँ पर खुद आकर स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो केली फसल है मयूर खंडेलवाल को काटा गया है. मध्यस्थी की भूमिका सानिया कादरी निभाती है. कल से अभी तक चार लोगों के स्टेटमेंट हो चुके हैं. और अगर पुलिस प्रशासन ये कहती है कि किसानों की कोई अर्जी अभी तक नहीं आई है तो ये सारी चीज़ों की जेरोक्स मैं 1 तारीख को सबमिट कर चुकी हूँ. वो कंप्लेन मेरे पास प्रूफ है जो मैंने यहाँ सबमिट की हुई है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं? वो लॉरी जो है, जो लॉरी जिस खेती किसानों से आपने भरी है, उस किसानों का नाम उस आपने FIR में नहीं दिया है. लॉरी का नाम दिया है, लॉरी का नंबर है, जो रेट दिया है, लेकिन उनका नाम, जिस किसानों का आपने माल काटा है उसका नाम उसमें नहीं है. क्योंकि पुलिस को ये दिक्कत आ रही है कि हम किसानों के साथ बात करके उनका माल किसको दिया, कौन सी लॉरी में भरा, और जहाँ से उसने जिस ट्रांसपोर्ट से माल लोड किया है वो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी गई है उस ट्रांसपोर्ट वाले का और वो खेती का और वो गाड़ी का हम स्टेटमेंट ले सकते हैं. हमको वो तपास करने के लिए हमको और अच्छा सादा मौका हो जाएगा उसमें. ठीक है, अगर उनको, और मैंने तो सबके नाम नंबर दे दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट उप अधीक्षक महोदय को, सब चीज़ें दे चुकी हूँ मैं. अगर उनको लगता है कि, अगर उन्हें लगता है कि मैंने नहीं दिया है तो उन्हें टाइम चाहिए या फिर वो नहीं लेना चाहते हैं तो मैं उपोषण पे यहीं बैठी रहूँगी. देखते हैं पुलिस प्रशासन मेरी मदद करती है या फिर मैं यहाँ से, अभी अपने पैरों पर आई थी उपोषण पे बैठने, अब यहाँ से अगर चार कंधों पर जाना पड़े तो मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए. देखती हूँ जब तक दम है तब तक लड़ती रहूँगी. मैंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, जिसके मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ, एक एक चीज़ का वीडियो मौजूद है. धन्यवाद. या ठिकाणी सानियाजींनी उपोषणाच्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या दिलेल्या पावत्यांच्या सर्व पुरावे, सर्व एविडेंस, सर्व त्यांच्या पोलीस प्रशासनाला दिलेले आहेत
तरी सुद्धा पोलीस प्रशासन संबंधितांवरती कारवाई करत नाही असं उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे। तरी पुढील पोलीस प्रशासनाला निवेदन दिलेलं आहे आणि निवेदनाच्या परिणी त्यांचा सुद्धा तपास सुरू आहे। तपासाअंती जी जी लोक याच्यामध्ये अडकलेली असतील त्यांची सर्वांची चौकशी होऊन संबंधित मयूर खंडेलवाल यांनासुद्धा तपासासाठी बोलवण्यात येईल आणि जर तो दोषी असेल तर त्यांच्यावरसुद्धा कारवाई करण्यात येईल असं पोलीस प्रशासनाची सुद्धा भूमिका आहे। यासाठीच या ठिकाणी सानिया कादरींना उपोषणासाठी बसावं लागत आहे। व्हिडिओ तापी पूर्णकर रेकॉर्ड आहे ना? तापी पूर्णकर रेकॉर्ड आहे सर, और भी रेकॉर्ड आहे मेरे पास। ये धनाई का रेकॉर्ड आहे का तुम्हारे पास? भोईटे दादा का एनपुर बनाना धनाई धनाई केला काही बघा श्री राम एनपुर धनाई केला बरोबर आहे ना? धनाई पाहिजे का? हां आहे ना बाकी धनाई धनाई ये इनको तो मैंने मेरे पास से पेमेंट कर दिया, मयूर खंडेलवाल ने तो इनको 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे अरे सब लोगों को बाय बैंक ट्रांसफर ये उनके थोड़ा मांगे सरकार ने पैसा गया है थोड़ा सा। मैंने बैंक से पैसा दिया क्योंकि मुझ पर मुझे पता है ना कि मैं हमेशा आरोपी बनती हूँ हर लोगों की नजर में। चेक ने पैसा दिया तो मैंने प्रूफ रखा इस बार। तो स्टेट बैंक है ना, जन्ना पैसे दिले त्यांचे स्टेट बैंक है। मयूर कैलास खंडेलकर यांना दिलेला माल या खंडेलवाल यांना दिलेला माला संदर्भात यांनी फसवणूक केलेली आहे सानिया कादरी यांचं असं म्हणणं आहे। त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया। मॅडम तुमने खंडेलवाल को माल दिया था तो आपको पैसे क्यों नहीं दिए उसने? एक रीज़न मुझे नहीं पता किसने पेमेंट क्यों अटका लिया, लेकिन जब हमारा काम शुरू हुआ तो शुरू में वो मेरे शेतकरियों के अच्छे दाम फसल के दाम मिलते रहे तो मैं उसको लगातार माल देती रही। फिर उसने बाद में रमज़ान महीने का बहाना बनाया, उसके बाद ईद का बहाना बनाया, ऐसे करते वो मुझे टालते रहा। हर दिन मेरा कॉल उसको जाता था लेकिन वो फ़ोन उठाने को रेडी नहीं होता था। एक दिन मैंने जब उसको कॉल किया तो उसने मुझे डायरेक्ट ये जवाब दिया कि मैडम केला फसल वाले जो किसान हैं उनको आदत होती है, 4 दिन चिल्ला लेंगे फिर पैसे को भूल जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो और मेरे से भी पैसे भूल जाओ। ऐसा जब उसने मुझे जवाब दिया तो मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में 1 जुलाई को यहाँ पर सावदा पुलिस स्टेशन में आई क्योंकि मेरा सारा व्यवहार सावदा पुलिस स्टेशन में चलता था। सावदा पुलिस वाले तुम्हारी FIR क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके खिलाफ गुनाह दाखिल क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण क्या है? ये तो मुझे नहीं पता कि पुलिस उसमें दखलअंदाजी क्यों नहीं कर रही है, लेकिन मुझे साफ जवाब मिल रहा है पुलिस प्रशासन से कि ये जो केस है ये 420 का केस नहीं है, फसवणूक का केस नहीं है, ये सिविल मैटर है और हम लोग इस FIR को नहीं ले सकते। क्लियर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने ये जवाब दिया है और सारे शेतकरी उनका पाठिंबा, सारे व्यापारी, सावदा शहर के सारे लोग सबका पाठिंबा मेरे साथ है और मुझे अभी भी इस उपोषण में मेरे 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ा अधिकारी आकर मुझसे मिलकर नहीं गया। PI वाघ आकर गए हैं और DYSP नेवे के सिवा यहाँ पर किसी ने भी दखल पात्र नहीं दिया। आने वाले कितने टाइम तक और मुझे यहाँ भूखा प्यासा बैठना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं किसानों के लिए जो सोशल वर्क करती थी कि उनके फसलों को सही दाम मिले वो मैं तब तक करती रहूँगी जब तक मेरी सांसें चल रही है और इस उपोषण को मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक उस इंसान को ये लोग अटक नहीं कर लेते, उसके FIR नहीं कर लेते। क्योंकि आज अगर इस तरह के व्यापारियों को रोक दिया गया तो फिर कोई मयूर खंडेलवाल पैदा नहीं होगा और फिर किसी केला फसल या कोई भी किसान को रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फसल का जो व्यापार होता है सिर्फ विश्वास पे चलता है और अगर एक बार विश्वास टूट गया तो किसान के पास सिवा आत्महत्या के कोई चारा नहीं होता। और मैं इस क्रांति को लेकर आऊँगी और किसानों को न्याय दिला करूँगी। आपलं नाव काय? तुम्ही एक शेतकरी आहे तर तुम्ही किती रुपयाचा माल मॅडमला दिलेला आहे? सानिया कादरी यांना किती रुपयाचा माल दिलेला आहे? 11 गाळे दिले। किती रुपयाचा दिलेला आहे? अंदाजे समजा तो 18-1 लाख रुपयाचा। 18 लाख रुपयाचा तुम्ही माल दिलेला आहे आणि मॅडमने तुमच्याकडनं माल घेतलेला असताना संपूर्ण गाळ्याची बिल्टी गिल्टी पद्धतशीर तुम्ही त्यांना दिलेला आहे आणि हाच माल मॅडमने खंडेलवालला दिलेला आहे, याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? आम्ही सानिया कादरीला मॅडमला माल दिला आहे, त्यांनी मयूर खंडेलवालला माल दिला आहे, त्यांचं मध्यस्थीचं काम होतं आमच्यामार्फत किंवा माल कसा सेल व्हायला पाहिजे। आम्ही मॅडमला माल दिला, मॅडमने सानिया कादरीला माल दिला आहे। मग तुम्ही आता पैसे कोणाला मागणार आहे? आता आम्ही मॅडमला मागू।
जर खंडेलवारने जर पैसे नाही दिले तर तुम्ही काय करणार आहात? आता यांनी पोलीस केस करायला पाहिजे की पोलीस डिपार्टमेंट हे करायला पाहिजे, फौजदारी गुन्हा दाखल करायला पाहिजे 420 चा? असं तुमचं मत आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर तुमचे पैसे मिळू शकतात का? मिळतील ना, पुन्हा मिळाल काय आलं? ठीक आहे, धन्यवाद भाऊ. आपलं नाव काय? माझं नाव प्रवीण गंभीर पाटील. तुम्ही या मॅडमला किती रुपयाचा मुद्देमाल दिलेला आहे? मी 16 लाख रुपयाचा माल दिला आहे, 9 गाड्या. 9 गाड्या दिलेल्या आहेत. बरं, तुम्हाला पैसे देण्यासाठी मॅडमने किती दिवसाचा कालावधी दिला होता? 8 दिवसाचा. 8 दिवसाचा. त्यांना जर पैसे मिळाले नाही तुम्हाला पैसे कुठून देणार, असं याच्यावर तुमचं म्हणणं काय आहे? नाही, आम्हाला मॅडमने सांगितलंय मेरा पैसा नाही भी मिला तो मैं आपका पैसा देवा लू, किसानों का पैसा मैं देवा लू. उसने नहीं भी दिया मयूर खंडेलवाल ने. मयूर खंडेलवाल ने गाड़ी घेतल्या, मयूर खंडेलवालच्या गाड्या येत होत्या आमच्याकडे, त्याचे हमाल, त्याचे इंचार्ज ते सांगत होते आम्हाला की मयूर खंडेलवालची गाडी आहे. आम्ही काय करू? आत्महत्या करू. कारण या ठिकाणी यांनी जे व्यक्तिमत्व मांडवलेलं आहे की आम्हाला जर पैसे जर न मिळाले तर आम्हाला आत्महत्येशिवाय प्रवृत्त नाही, त्यासाठी तरी शासनाने जागी होऊन ज्या अशा रीतीनं ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे डुबवणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी. इंडिया न्यूज यांच्यासाठी पाठबळ देत आहे आणि यांच्या चांगल्या कामासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका या ठिकाणी गाजत आहे. मॅडम, तुम्हाला जर त्यांना खरोखर पैसे न दिले तुम्ही काय करणार आहे आता? सर, मुझे अगर यहाँ से पैसे नहीं, मतलब इसके ऊपर केस या अटक नहीं होती है तो मैं इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगी और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी जो लोग शेतकरियों के साथ दिशा भूल और विश्वासघात के काम करते हैं. 2 या 2.5 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. मैं कलाकार लड़की हूँ और एक अच्छे घर में मैंने जन्म लिया है और मेरे संस्कार नहीं है कि मैं किसी गरीब का पैसा डूबने दूँ या डुबाऊँ. मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर कंप्लेन हो या ना हो, पैसे मिले ना मिले, लेकिन शेतकरियों की जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मैंने उनसे वादे किए हैं वो मैं ही पूरे करने वाली हूँ और वो सारा मैटर मेरे ही सुपुर्द है. लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एक संघर्ष की है कि जो लोग ऐसा करते हैं मैंने उसको सजा मिलना चाहिए. एनपुर में जितनी गाड़ियाँ कटी है उनका आधा आधा पैसा मैं लगा चुकी हूँ और वो मेरे पास से ही लगाया. मयूर खंडेलवाल ने उसमें 1 रुपया भी नहीं दिया है. जो भी पेमेंट एनपुर को गया हुआ है, जो भी किसानों को गया वो सारा मेरे पास से गया हुआ है. मयूर खंडेलवाल पे जो पेमेंट लेना है उसमें से शेतकरियों का लगभग 1 से 1.5 कोटी रुपये है. बाकी जो पेमेंट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ किसानों को, वो पेमेंट पूरा मेरा ही है. और अगर किसानों को पेमेंट नहीं मिलता है तो मैं सक्षम हूँ कि मैं उन लोगों को पैसा दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी सक्षम हूँ कि मैं पूरी प्रशासन की नींव हिला सकती हूँ और भारत सरकार के पास ये लेकर जा सकती हूँ गुहार कि अगर मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को न्याय नहीं मिलता तो एक गरीब किसान मजबूर होता आत्महत्या करने के लिए. और अगर ये मेरा देश है, अगर इसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो ये मेरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आए दिन कोई ना कोई किसानों की फसवणूक कर रहा है, कभी केले की फसल में, कभी कपास की फसल में और कभी किसी और चीज़ की फसल में. अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो ये मयूर खंडेलवाल है उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रहे और वो यहाँ पे है क्या, घर को है कि भाग गया है, तो उसमें किसका घर पे ये मयूर खंडेलवाल और पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही, इसका जवाब तो पुलिस ही देगी. क्योंकि पुलिस और कानून एक ऐसी चीज़ है जो जिससे कोई भी नहीं बचा. बड़े बड़े आतंकवादियों को पुलिस ने झटके में निकाल रखा है तो मयूर खंडेलवाल की क्या औकात है? अब वो ये सवाल आप पुलिस प्रशासन से पूछिए. शायद मेरे जैसी लड़की को यहाँ पर बिठा कर भूख हड़ताल पर उनको अच्छा लग रहा हो या कोई और वजह हो, मैं नहीं बता सकती. ये सवाल आप डिपार्टमेंट से कीजिए. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी भूमिका क्या है? स्थानिक जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो शेतकरी है, सारे लोगों का पाठिंबा मुझे मिला है. और मराठा समाज जो महासंघ है, मराठा समाज का जो ऑल ऑफ महाराष्ट्र, ऑल ऑफ इंडिया में है मराठा समाज, उनका पाठिंबा मुझे मिला है. और मुझे ये तसल्ली दी गई है कि अगर आपको यानी सानिया कादरी और शेतकरियों को न्याय नहीं मिलता तो मराठा समाज एक तीव्र गति पकड़ लेगा और तीव्र तरीके से आपका सहयोग करेगा. तुमको कभी उनको नहीं समझा न्याय मिला तो आगे तुम क्या करने वाले हैं? सर, मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है.
अपने प्रशासन पे कि वो लेट कर रहा है, लेकिन इतना बेरहम प्रशासन नहीं होगा मेरा कि वो मुझे न्याय नहीं देगा। आज भी मैं इसी उम्मीद में पुलिस स्टेशन के सामने बैठी हूँ कि कभी कोई दिन एक ऐसा आए जहाँ मयूर खंडेलवाल को यही पुलिस थाना गिरफ्तार करेगा और मैं अपना उपोषण छोड़कर अपने शेतकरी भाइयों के साथ आगे की दिशा पकड़ूंगी। चला आपण आता जेजेभाऊ कडे जाऊया। या ठिकाणचे सावदा परिसराचे स्थानिक कार्यकर्ते आहे, त्यांचं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी जाणून घेऊया। ते सानिया कादरीच्या संदर्भात त्यांचा पाठिंबा आहे किंवा नाही आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊया। माझा या प्रकरणामध्ये सानिया मॅडमला 100% पाठिंबा आहे। त्याचं कारण तसंच आहे, सानिया मॅडम या भुसवडच्या रहिवासी असून स्वतः वेल एज्युकेटेड असून त्यांच्या क्षेत्रामध्ये बरंच त्यांनी मोठा पल्ला गाठलेला आहे। ते करत असताना प्रत्येक माणसाला व्यक्ती स्वतंत्र आहे कुठलाही व्यवसाय करायचं, त्या व्यक्ती स्वतंत्र्यानुसार त्यांनी त्यांचा हा नवीन व्यवसाय जो निवडलेला आहे त्या व्यवसायामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांचं अगोदर विश्वास संपादन केला। विश्वास संपादन केल्यानंतर या व्यवसायामध्ये त्यांनी यशोशिखर गाठलं। ते गाठत असताना त्यांना ज्यावेळेस सावद्यातील ट्रान्सपोर्टर मुकेश खंडेलवाल आणि मयूर खंडेलवाल यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला, संपर्क साधल्यानंतर मॅडमला जिथं 2 रुपयाचा फायदा होत होता तिथं मॅडमला असं वाटलं की शेतकऱ्यांचं यांच्या माध्यमातून आपण भलं करू शकतो, म्हणून त्यांनी त्याच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्याच्याशी व्यवहार सुरू केले। व्यवहार सुरळीत झाल्यानंतर ज्यावेळेस 1, 2, 3, 5, 7, 10 दिवसापर्यंत त्यांनी कंटिन्यू पेमेंट टाकला मालाचा, त्याच्यानंतर त्यांनी 8, 10, 15 दिवस 246 गाड्या कापल्यानंतर पेमेंट डायरेक्ट बंद केला आणि त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडून जे होतं ते करून घ्या, आमच्याकडून आम्ही शेतकऱ्यांना घाबरत नाही, आम्ही कोणाला घाबरत नाही, स्थानिक प्रशासन आमच्या खिशात आहे। ह्या पद्धतीची भाषा त्यांनी वापरली आहे, त्याचाच परिणाम असा आहे की स्थानिक प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत आहे आणि आम्ही अशा कुठल्याही जुलमाला बळी पडणारे लोक नाही आहे। आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहे, आम्ही लोकशाही पद्धतीने लढा देतो आहे, तो कायमस्वरूपी देऊ। बस आमची एवढी मागणी आहे, मॅडमला न्याय मिळावा आणि त्या मॅडमच्या माध्यमातून सगळ्या सर्व शेतकरी बांधवांना न्याय मिळावा। असं तुमचं म्हणणं आहे की पोलीस प्रशासन त्यांचा कोणत्याही प्रकारचं सानिया कादरी हे उपोषणाला 5 दिवस होऊन गेलेले आहेत त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची त्यांची दखल घेत नाही आहे आणि जो तुमचा खंडेलवाड आहेत याला पळवण्यामागे किंवा त्यांना पाठीशी घालण्यामागे त्यांचा हात आहे प्रशासनाचा, असं तुमचं म्हणणं आहे का? हो, त्याला तशी कारण आहे माझ्याकडे, सबळ कारण आहे माझ्याकडे। ज्यावेळेस त्यांनी तक्रार अर्ज दिला, निवेदन त्या निवेदनामध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे आणि नमूद केल्यानंतर ज्यावेळेस हा अर्ज पोलीस प्रशासनाकडे गेलेला आहे त्यावेळेस त्यांनी सर्व या प्रकरणाशी संबंधित डॉक्युमेंट्स त्यांच्याकडे झेरॉक्स प्रतीमध्ये दिलेलं आहे। त्याची कॉपींची संख्या 501 कॉपींची संख्या तिथं आहे, त्यांना दिलेलं आहे ते। त्यांनी सांगितलं आम्हाला चौकशी करायची, त्यांनी 7 दिवस चौकशी केली, त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे होता, गुन्हा दाखल होऊन आरोपींना अटक झाली पाहिजे होती, पण तसं काय झालं नाही। याचा अर्थ काय करण्याचं कारण काय काय आपण सांगू शकतात का? हे पोलीस प्रशासन, आम्ही त्याच्यात काही सांगू शकत नाही। दुसरं, बऱ्याचदा आम्ही त्यांच्याशी विचारणा केली, त्यांनी आम्हाला उडवळीची उत्तरं दिलेली आहे। शेतकरी बांधवांना त्यांनी जेरीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आम्ही DYSP फैजपूर ज्यांच्याकडे आता तो पदभार आलेला आहे त्यांच्याशी आम्ही दुपारी संभाषण केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं या प्रकरणात जर सत्यता असली तर 100% आम्ही गुन्हेगारांना अटक करू, नसली तर आम्ही अटक करणार नाही। ह्या पद्धतीने त्यांनी त्यांची भूमिका ठेवलेली आहे, पण त्यांनी ज्या प्रकारे ह्या लोकांनी आम्हाला ट्रीटमेंट केलेली त्यापेक्षा बेटर त्या लोकांनी आम्हाला ट्रीटमेंट केली, त्यांनी आम्हाला समजवण्याची भूमिका घेतली। इथं आम्ही गेल्यानंतर आम्हाला अरे रवीची उत्तरं देण्यात येतात, हा कुठला सवाल आहे, हा कोणता प्रश्न आहे? इथे स्थानिक पोलीस प्रशासन कोणासाठी असते हो सांगावाला, सामान्य जनतेसाठी असते का एखाद्या सेट व्यापारासाठी असते? स्थानिक जनतेसाठी निवडले गेलेले असते शासनाने, गट व काही पक्ष यांना पाठिंबा देण्याचं मत व्यक्त करत आहे। तुमचं नाव काय? मी शेख शकील, मी पोलीस खात्यात नोकरीला होतो, 35 वर्ष सावदला पण नोकरी केलेली, 7 वर्ष इथे सावदला रिटायर झालेलो आहे, परंतु आता मी 6 महिन्यापूर्वी RPA गट आठवलेगड यांना परस पक्ष केलेला आहे। मी रावेर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख आहेत,
आमचे श्याम भोंगळे माझ्या बाजू बसवलेले ते उरा जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत. आम्ही जाहीरपणे सानिया कादरी ताईला आम्ही आमच्या मनापासून आमच्या पक्षश्रेष्ठ आदरानुसार पाठिंबा दिलेला आहे त्यांना न्याय मिळावा म्हणून. कारण त्यांच्या सत्तेत आहे, आम्ही 5 दिवसापासून यांच्यासोबत बसलेलो आहोत आणि जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही आम्ही सुद्धा इथून हलणार नाही. मयूर खंडेलवाल आणि कैलास खंडेलवाल दोन्ही बाप आणि मुलांनी ताईंना फसवलेलं आहे. ताईंनी शेतकऱ्यांचा पैसा त्यांना मिळावा म्हणून हे आंदोलन छेडलेलं आहे. इथे न्याय मागत आहे, एक सुशिष्ट महिला इथे न्याय मागायला बसलेली आहे. कारण त्या शेतकऱ्याचा बाजून आहे, यांचा कुठला वैयक्तिक पैसा नाही आहे, फक्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी जे लढा दिलेला आहे शेतकऱ्यांसाठी लढा दिलेला आहे. आज शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं शासनानं कर्जमाफीचं धोरण स्वीकारलेलं आहे, त्यांच्या पाठीशी पूर्ण सरकार उभं आहे. इथे पोलीस स्टेशनला काय होतं माहिती आहे का, आपल्याला इथे कोणी याला बघायला तयार नाही. इथे डीवाय साहेब आले आणि एस पी साहेब आले नाही, त्यांना फक्त 2 नंबरचे पैसे पाहिजे. सट्टा दारू कुठे चालू आहे ते त्यांना तिथे पाठीशी घालतात, ते त्यांना खुर्च्या बसायला देतात. सट्टेवाले दारूवाले फुगार क्लबवाले त्यांना पाठीशी घालतात, त्यांना चहा पसा त्यांना पाठ्या देतात. या ठिकाणी एक महिला बसलेली आहे, त्यांच्याकडे बघायला तयार नाही आहे. हा ते म्हणतात त्यांनी त्यांना ते म्हणतात आम्ही कायद्याच्या हिशोबाने गुन्हा दाखल करू. अहो सीआरपीसी कायदा काय म्हणतो, कोणी फिर्याद द्यायला आला म्हणजे त्याची फिर्याद घ्या, नंतर तुम्ही चौकशी करा. जर एखादी बलात्कार पीडित महिला आली तर तुम्ही त्यांना असं सांगणार का पोलीस प्रशासन की तिला नंतर पाहू, आरोपी आरोपीला आम्ही विचारू, साक्षाला विचारू, इथला बलात्कार झालेला आहे का, तेव्हा कुठे जातं प्रशासन. ही महिला आज बसलेली आहे 7 दिवसापूर्वी उपस्थितापाशी, त्यांना कोणी का विचार करत नाही, डिपार्टमेंटला का ढकलून बघत नाही. तुमचं म्हणणं असं आहे की पोलीस प्रशासन या ठिकाणी बुद्धिपूर्वक दुर्लक्ष करत? हो, बुद्धिपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आणि आरोपी हे ज्या 2 लोक आहेत मयूर खंडोलाल आणि कैलास खंडोलाल यांनी ज्यांना जाणूनबुजून प्रसार केलेला आहे, कारण त्यांना माहिती आता कुठे बसलेले आहेत. जर तो निर्दोष असतात दोघं ते तिथे आले असते, पोलीस आले असते की वो मी निर्दोष. आमच्या सविस्तर बातम्यांसाठी लॉग इन करा www.indianewsexpress.in वर आणि यूट्यूब वर पाहण्यासाठी टाइप करा इंडिया न्यूज एक्सप्रेस. तर मग पुन्हा भेटूया पुढील घडामोडीमध्ये, तोपर्यंत पाहत रहा इंडिया न्यूज एक्सप्रेस, सत्याचा खणखणीत आवाज.